नमस्कारम। आज मैं आपको कफ बलगम के लिए और जिनको पुराना नज़ला है उसके लिए आयुर्वेदिक एक उपाय बताऊंगा, जो कि आप अपने कुछ आयुर्वेद की चीज़ें कलेक्ट करके खुद घर में ही बना के करेंगे। इससे जिसका कफ ठीक हुआ, मैं उस वही नुस्खे आपको बताता हूँ जिससे कि कोई ठीक हो रहा है हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, 15 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 15 ग्राम उसमें लेनी है आपको सौंठ ड्राई जिंजर, 15 ग्राम लेनी है पिपली, पिपली मगा बोल देते हैं इसको पंजाबी में, या इसको लॉन्ग पेपर बोल देते हैं, पीपल भी बोल देते हैं, तो ये भी 15 ग्राम लेनी है। इसमें 10 ग्राम लेनी है गिलोय, 10 ग्राम गिलोय सत्व, गिलोय का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्यों यूज़ करवाते हैं, हम चूर्ण भी यूज़ करा सकते थे गिलोय का, हम पत्ते सुखा के भी डलवा सकते थे, नहीं, वो हैवी हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगे तो भी उसमें असर कम है, एक्सट्रैक्ट में बहुत असर है, इसलिए गिलोय सत्व लेना है, हर आयुर्वेदिक स्टोर पे मिलता है। इसको डाल दिया इसमें, और 5 ग्राम टंकन, शुद्ध टंकन 5 ग्राम, सबको मिक्स करा के 40 पुड़ियाँ बना दी, एक पूड़ी सुबह एक दोपहर एक शाम, खाने के 1 घंटे बाद या 40 मिनट बाद शहद में मिला के चटवाई, और साथ में खाना खा के 10-15 मिनट बाद ही चाहे गर्म पानी से, गर्म इतने पानी से सुबह शाम एक एक गोली लक्ष्मी विलास रस, ये गोली दी हमने, तो इससे कफ अब ठीक है। तो आप भी प्रयोग करिए, मैं आपको वो नुस्खे नहीं बताता जिनसे कोई खतरा हो, मैं वही कोशिश करता हूँ कि जिन जो सेफ़ हैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ, तो आप अपनी लाइफ में इसको अजमा सकते हैं। कई बार हम चीज़ हमने अजमाई होती है, या तो वो नुस्खा अधूरा होता है, उसमें कोई चीज़ कम होती है, या वो टाइम गलत होता है। हालांकि मैंने आपको लक्ष्मी विलास रस और दोनों चाटने वाली दवाई दोनों ही खाने के बाद बताई है, लेकिन पहले लक्ष्मी विलास रस लेनी है ताकि वो पेट में चली जाए, और गर्म पानी से गई है तो गला साफ करके जाएगी, ऊपर से 10-15-20 मिनट बाद आप जब चाटने वाली दवाई लेंगे तो गला साफ होगा, तो चाटने पर वो दवाई आपके अच्छे से असर कर पाएगी। तो ये नुस्खा था, साथ में बेसन का सिरा पिलवाया, थोड़ा बहुत प्राणायाम करने को दिया, और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो आप भी इसको करिए और लाभ लीजिए। ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपको रोज़ाना देता ही रहता हूँ अपने दोनों चैनल्स पर, नित्यानंदम श्री और नित्यानंदम आयुर्वेदा पर, और अभी अभी मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नित्यानंदम लाइव। बहुत जल्द मैं आपको रेगुलर लाइव आकर के डेली वहां पर मैं आपको कोर्सेज भी कराऊंगा, योग के, आयुर्वेद के, एक्यूप्रेशर आदि के, डाइट के, सब। तो आप उससे भी जुड़िए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।